रेडी करो। 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना होनी है, लेकिन मतगणना से पहले समाजवादी पार्टी के जो तमाम प्रत्याशी और पदाधिकारी हैं मतगणना केंद्रों पर लगातार डेरा डाले हुए हैं। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर वो जो तमाम प्रत्याशी हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर किस तरीके से डेरा डाले हुए हैं, और सामने CCTV में जो स्ट्रांग रूम है उसे सीधे तौर पर देख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं और प्रत्याशी हैं रविदास मल्होत्रा जी, वो इस समय मौजूद हैं। सर, आप लोग इस समय स्ट्रांग रूम पर लगातार मुस्तैद हैं, क्या वजह है, क्या आशंका है? देखिए, 4 जून को जब काउंटिंग होगी तो इंडिया की सरकार बनना तय हो गया है और हम लोग बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। यहाँ लखनऊ में जो दोनों लोकसभा सीट हैं, दोनों पर कैबिनेट के मंत्री हैं, और यहाँ पर जो जहाँ चुनाव हम लड़े हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी के 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, 5 साल गृह मंत्री रहे हैं, 5 साल रक्षा मंत्री हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और यहाँ से वो चुनाव हार रहे हैं। तो चुनाव की जो उनकी हार है उसको देखते हुए वो बेमानी करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम लोग EVM मशीन की दिन रात रक्षा करने का काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता और हम लोग खुद स्वयं लगातार यहाँ पर बैठ करके EVM मशीन की रक्षा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जनता ने जो हमारे पक्ष में मतदान किया है वो हमारे ही पक्ष में खुले, जनता के वोट को कोई लूट ना पाए, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जनता के एक एक वोट की रक्षा करने के लिए अगर जान भी लगानी पड़ेगी तो हम लोग करने का काम करेंगे, और जनता के एक भी वोट को हम लोग लूटने नहीं देंगे। आज अखिलेश यादव ने भी कई आरोप लगाए कि जो EVM है उसे DM आप समझिए, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं पूरे? देखिए, भारतीय जनता सरकार जो है ये बेईमानी करके, धांधली करके, गड़बड़ी करके चुनाव जीतने का षड्यंत्र कर रही है। कई ऐसे वीडियो जारी हुए हैं, एक वीडियो में तो दिखाया गया है कि गृह मंत्री जो एग्जिट पोल आया है, जिन लोगों ने एग्जिट पोल किया है उनको हड़का रहे हैं कि एग्जिट पोल हमारे पक्ष में आना चाहिए। दूसरी ओर उन्होंने 150 DM को फ़ोन किया है कि चाहे कुछ भी करना पड़े तुम हमको, हमारे प्रत्याशी को जाने का काम करना। तो इसलिए धांधली और गड़बड़ी करने की भाजपा प्रयास कर रही है, लेकिन अधिकारी निष्पक्ष हैं, अभी तक निष्पक्ष हैं, और वो निष्पक्षता के साथ मतदान कराने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों का कहना है कि मतदान निष्पक्ष हो, जिसने जिसको वोट दिया है उसका वोट उसके पक्ष में ही खुलना चाहिए। एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो एग्जिट पोल जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुमत से दूर दिखा रहे हैं, इसे आप किस तरह से पूरा देख रहे हैं? एग्जिट पोल जो हैं ये पूर्ण रूप से फर्जी हैं, मैनेज किए गए हैं, और मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक वीडियो आया है उसमें गृह मंत्री जो हैं धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। तो ये जो धमका करके, डरा करके एग्जिट पोल दिखाया गया है ये पूर्णतया फर्जी है, और हम लोगों ने पहले ही ये शंका व्यक्त करी थी कि एग्जिट पोल के परिणाम ऐसे दिखाए जाएंगे। क्या लगता है एग्जिट पोल की अवस्था क्या है? जब 4 जून को जनता ने मतदान इसको किया है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता ने परिवर्तन का अपना वोट दिया है, जनता चाहती है कि पूरे देश में बदलाव हो, परिवर्तन हो, और जनता ने परिवर्तन के लिए, देश के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए अपना मत का इस्तेमाल किया है, और 4 जून को यहाँ लखनऊ सहित पूरे प्रदेश और देश में इंडिया गठबंधन बहुत आगे रहेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय हो गया है। बहुत धन्यवाद। ये सीधे तौर पर आप समाजवादी पार्टी के जो विधायक और प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा, उन्हें सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार वो जो स्ट्रांग रूम है उनके रखवारी में लगे हुए हैं, हालांकि जो 4 जून को जो जनादेश आ रहा कहीं ना कहीं वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा। भारत समाचार से अभिषेक कुमार यादव।